हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आर वी लाइव नाउ? ऑडियो वीडियो एक बार बताएंगे प्लीज. एंड प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल. ये लाइव सेशन सभी तक पहुंचाइए. आज हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं किसी भी करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए. ठीक है? ऑडियो वीडियो एक बार प्लीज़ बता दो यार, कैसे आ रहा है? ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की. और वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, राइट? एमसीक्यू फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस करेंगे. और कोशिश करिए कि मेरे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर दीजिए ताकि पता चले आप लोगों को भाई कितना आप लोगों को आता है. ठीक है? कितना आप लोग किसी भी एग्जाम में अपेयर करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि एक एक मार्क्स, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये क्वेश्चंस तो वैसे भी इस तरीके से हैं, करंट अफेयर्स समुंदर होता है, हमें नहीं पता होता कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, राइट? तो हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, इसलिए हमें हर टाइप का क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए. और ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं. आपने देखा होगा रैंकिंग, थीम्स, डेज. मैं वही टॉपिक्स पिक कर रही हूँ जो पूछे जाने वाले हूँ. जैसे कल जो डेज वाला क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही है, रैंकिंग से क्वेश्चंस रहते ही हैं. ठीक है? तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में हमें डायरेक्टली देखने को मिलते ही हैं. और इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं ताकि अगर ये क्वेश्चन ना पूछा जाए तो इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है वो भी आप लोगों को पता हो. तो इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ वो भी आप लोग देखा करो, प्लस इनके आंसर्स तो आपको देने ही देने हैं. क्लियर हो गया? जो भी लोग सेशन देख रहे हैं एक बार पहले सेशन को शेयर कर दें, ठीक है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें. यार ये
लिखा हुआ मिला, बड़ा बहुत मस्त लिखा हुआ है, ठीक है। बस अगर इसको, इसके डीप मीनिंग को आप लोग समझ पाओ तो मैं रीड करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और बस इसका थोड़ा सा हल्का सा डीप मीनिंग आप लोगों को समझना है, जिसका सार ये है कि अगर आप अपनी वैल्यू खुद करते हैं तभी कोई दूसरा करता है, अदरवाइज नहीं करता है, है ना। चलिए और इन लाइंस को सुनेंगे और फिर अपनी वैल्यू करेंगे, जिस तरीके से आप उसी तरीके से दूसरे से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो अल्टीमेटली आपको अपने अंदर से एक पावर फील होती है। तो सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर कोई भी रास्ता आपका रोकना चाहता है तो आपका, आपके अंदर से क्या होता है कि नहीं ये काम तो मुझे करना ही करना है। तो लेट्स लिसन टू इट। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर जाओ, अगर बिकने पर जाओ तो घट जाती है कीमत, अगर बिकने पर जाओ तो घट जाती है कीमत, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। राइट, अगर आपका बिकने का इरादा ही नहीं है तो कीमतें क्या हो जाएंगी, और बढ़ जाएंगी। अगर आपका नहीं है ऐसा कोई इरादा कि हमें कोई कुछ नेगेटिव सेंस में बोल सके तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि कोई भी ऐसा कर सके, ठीक है। तो आपके इस तैयारी के सफर में बहुत सारी चीजें होती रहती होंगी, बट आपको उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, और वो क्या है, वो ये है कि अपने काम को करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। वन डे जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे तो अल्टीमेटली सबको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना उनको चाह रहे थे, क्या समझाना उनको चाह रहे थे। अदरवाइज बोलने से कुछ नहीं होता, है ना, एक्शंस स्पीक, शब्दों से कुछ नहीं होता है, हम जो बोलते हैं उसी से बात बनती है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाने से होगा। चलिए इसी बात पे करके दिखाओ इन क्वेश्चंस के आंसर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन हैज बीन स्टार्टेड। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछना चाहता है, क्वेश्चन कुछ और पूछना चाहता है। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है वो अपन लोग देखेंगे और उसी के हिसाब से हम आंसर देंगे। जस्ट अ मिनट, आई एम टेलिंग यू, इट्स आस्किंग इनसाइड द वॉटर, ठीक है, पानी के अंदर चलने वाली। तो इनसाइड द वॉटर, स्टार्टेड इनसाइड द वॉटर, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन हैज बीन स्टार्टेड इनसाइड वॉटर। पानी के अंदर चलने वाली पहली ट्रेन का, मेट्रो ट्रेन का नाम आप लोगों को बताना है। बताइए क्या हो सकता है। और ये हमारी कंट्री की डीपेस्ट मेट्रो होने वाली है, हमारी कंट्री की डीपेस्ट मेट्रो भी ये होने वाली है। जी, ये इसी साल बन करके तैयार हुई है, ठीक है, 12th of अप्रैल 2023 को। इसके रिलेटेड फैक्ट्स में अगर हम देखें तो एक तो 12 अप्रैल 2023 को ये बन करके तैयार हुई है और कंट्री की पहली डीपेस्ट ट्रेन है, मतलब सबसे ज्यादा डीपेस्ट ट्रेन है, कंट्रीज डीपेस्ट ट्रेन अपन इसको बोल सकते हैं। क्लियर, कितना अंदर है, कितना डीप है, 33 मीटर, कितना, 33 मीटर्स। और ये किधर है, अगर पूछे सिटी कौन सी है तो सिटी है कोलकाता। कौन सी है सिटी, कोलकाता। क्लियर हो गया, फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर होगा इसका कोलकाता। तो 12th अप्रैल 2023 एंड कंट्री की डीपेस्ट 33 मीटर्स डीप है और किधर है तो कोलकाता में है। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू, पहले से खुद से आंसर आपको देने की कोशिश करनी है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2023 रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज। अगर हम क्रिमिनल कंट्रीज की बात करें तो टॉप मोस्ट नंबर पर आती है वेनेजुएला, है ना, टॉप मोस्ट नंबर पर कौन आती है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल कौन सी वाली है, वेनेजुएला।
वहीं अगर हम देखें हमारी कंट्री का नंबर कौन से नंबर पर आता है, हमारी कंट्री की रैंकिंग के हिसाब से अगर हम लोग देखें इस रैंकिंग के हिसाब से, तो इंडिया इज एट 77 नंबर. कौन से नंबर पर है? 77 नंबर पर है. और फर्स्ट नंबर हमें किसी का भी पता होना चाहिए, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? वेनेजुएला. ठीक है, अब इसी बात पर मुझे ये बता दो कि ये रैंकिंग रिलीज कौन करता है, और हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कम से कम पता होने चाहिए. पेपुआ न्यू गिनी, ठीक है, और मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि इसे रिलीज करता कौन है, ये रैंकिंग रिलीज किसके द्वारा की जाती है. ठीक है, और थर्ड नंबर पे आता है अपना अफगानिस्तान. कौन आता है? अफगानिस्तान. बताइए जल्दी से, आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखते रहना है सो दैट आप लोगों को पता चलता रहे. बताएंगे कि कौन इसको ये रैंकिंग देता कौन है. दिस इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड ऑफ स्टैट्स. ठीक है, क्योंकि ये रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पता होने चाहिए कि भाई अगर क्रिमिनल कंट्रीज की बात करें, पहले तो अपने नेशन का पता होना चाहिए जो भी उसका पोजीशन है, 77th है, और हमें टॉप मोस्ट भी पता होना चाहिए, वेनेजुएला, पेपुआ न्यू गिनी एंड अफगानिस्तान. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बता दिए मैंने आपको. चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हु वॉज अवॉर्डेड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023. सबसे पहली बात तो ये लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पहले नहीं होता था. ये कब से स्टार्ट हुआ है, कौन से साल में स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया? किसी को भी इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कब स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया? जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हो, करंट अफेयर्स को कुछ लोग ना ग्रंथ की तरह पढ़ने बैठ जाते हैं. इसे ग्रंथ की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे जितना डिस्कस करोगे, इससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन लोगे, ये क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है ना. बस आपको इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हर चीज की पता हो तो आप कहीं पर भी मार नहीं खाओगे. चलिए, तो लता क्या है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 दिया गया है आशा भोसले को. ठीक है, किसको दिया गया है? आशा भोसले को. 2022 में इस अवार्ड को रिलीज किया गया था. लता मंगेशकर जी जब दुनिया को छोड़कर चली गई थी, ठीक है, तब ये 2022 में व्हेन लता मंगेशकर पास्ड अवे, तब ये अवार्ड की घोषणा की गई थी. एट दिस ईयर इट इज गिवन टू आशा भोसले. क्लियर हो गया, मूव करते हैं आगे. द 100th मैच ऑफ आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वॉज प्लेड बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड विच टीम. कौन सी टीम के साथ ये खेला गया था? 1000th मैच है, ठीक है, अपने आप में रिकॉर्ड बनाने वाला मैच है, 1000th मैच है, तो बताने का है कि 1000th मैच किस किस के बीच में खेला गया था. एक तो उन्होंने बता दिया कि मुंबई इंडियंस थी, दूसरी तरफ से कौन थे? दूसरी तरफ से थे राजस्थान रॉयल्स. कौन थे? राजस्थान रॉयल्स. दैट मींस आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर सी. जो लोग क्लास को बाद में देखते हैं, ठीक है, कंप्लीटली क्लास को देखा करिए. क्यों देखना है पूरा, सिर्फ पीडीएफ से काम क्यों नहीं चलेगा? हालांकि पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी विदाउट आंसर वाली टेलीग्राम पर, और विद आंसर जो क्लास में मैं लिखती हूँ वो आपको मिलेगी एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स के सेक्शन में. बट आप लोगों को फिर भी क्लास को पूरा क्यों देखना है, बिकॉज क्लास में हम लोग और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं. ऑल्सो क्लास में जब आप होते हैं तो कोशिश करिए कि आप आंसर्स दे पाए. ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा कि राजस्थान के साथ हुआ था.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए मैं करती हूँ इसको थोड़ा सा ज़ूम. विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ इंडियंस ट्रैप्ड इन सुदान. तो जब इंडियंस हमारे ट्रैप्ड थे सुदान में, एंड मुबारकबाद कल टनल में से सभी लोग सेफली बाहर आ गए हैं, है ना? तो विच ऑपरेशन, तो कौन सा ऑपरेशन जो है इसके लिए लाया गया था बताइए. और ये भी बताइएगा इसके साथ साथ कि कोविड में जब हम लोग फंसे हुए थे तो कौन सा ऑपरेशन लेकर के आए थे, ठीक है? नेपाल को, नेपाल जब अर्थक्वेक से, ठीक है, बहुत परेशान था, तब भी हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन लेके आए थे. उस रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम क्या था, नेपाल के लोगों को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन लेकर के आए थे, इसका नाम क्या था? पहले फिलहाल तो गिवन क्वेश्चन का आंसर करिए कि इंडियंस को सुदान से सेफली लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया था. तो दिस वॉज नॉन एज ऑपरेशन कावेरी. कौन सा था? ऑपरेशन कावेरी. वहीं अगर हम बात करें कोविड के टाइम पर, तो कोविड के टाइम पर कौन सा था वो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि कोविड के टाइम पर जो ऑपरेशन इन लोगों ने लाया था वो कौन सा था. पूरी दुनिया में अपना ही परचम लहरा रहा था. हम इंडिया ने बहुत लोगों को हेल्प की थी, इसीलिए ऑपरेशन का नाम किस तरीके से था? ऑपरेशन का नाम था वंदे भारत. क्या था? वंदे भारत. अब बता दो जल्दी से कि नेपाल ने जब अर्थक्वेक वाला प्रॉब्लम देखा था तो उसको हेल्प करने के लिए नेपाल में कौन सा ऑपरेशन अपन लेकर के आए थे? जल्दी बताओ. ऑपरेशन मैत्री. जितने भी ये हैं लगभग ऑपरेशन के नाम से ही हैं, तो ये क्या है? ऑपरेशन मैत्री. इसमें से ऑपरेशन गंगा बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, ठीक है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई में जब भारत फंसा हुआ था, ठीक है, भारत भी इन्वॉल्व था, तो भारत को उसमें से बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था? ऑपरेशन गंगा. ठीक है, कौन सा था जी? ऑपरेशन गंगा. क्लियर हो गया? तो ये ऑपरेशंस जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इनको देखिएगा कौन सा किससे रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है विच ऑफ दीज इंडियंस वॉज गिवेन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड. विजडन क्या है? विजडन क्रिकेटर्स की बुक रहती है ना, जिसमें क्रिकेटर्स की प्रशंसा जो भी उनकी चीजें रहती हैं वो सब उसमें मेंशन किया जाता है. तो विच ऑफ दीज इंडियंस, इसमें से कौन से अपने इंडियन हैं जिनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? फोर्थ. अच्छा, ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है. ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन जो था जिसका आंसर था ऑपरेशन कावेरी, उसका आंसर था ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, जब भी लिखते हैं तो प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखा करिए. क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे विच ऑफ दीज इंडियंस वाज गिवन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023. तो ये किसको दिया गया था? हरमनप्रीत कौर को. किसको दिया गया था? हरमनप्रीत कौर को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ ही ऑप्शंस लिखा करिए. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं जो आप लोगों को मैं बताऊं. आगे देखें, रिसेंटली संजीता शानू बहुत न्यूज में रही है, है ना, इनको बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए. नाडा ने बैन कर दिया है इनको. नाडा की फुल फॉर्म क्या होती है और क्यों बैन किया था, ठीक है, ये बहुत न्यूज में रही थी. तो ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है. जब भी कोई अनएथिकल हमें चीज मिलती है तो उसमें क्या किया जाता है, स्पोर्ट्स में बैन कर दिया जाता है. कुछ लोग अपने आप को अंडर एज शो करते हैं, या फिर वेट कम ज़्यादा होता है तो डिफरेंट डिफरेंट में चले जाते हैं. हालांकि वेट में तो नहीं ये झोल कर सकते, बट एज के साथ बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स वाले में झोल किया जाता है, या फिर ये कुछ ऐसे इंजेक्शन्स वगैरह ला करके, जैसे अपन बोलते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह ले करके,
स्पोर्ट्स वगैरह जब खेलते हुए पाए जाते हैं तो इनको क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। एनीवेज अभी अगर हम बात करें संजीता शानू के बारे में, तो ये क्या करती हैं, ये करती हैं वेट लिफ्टिंग, क्या करती हैं वेट लिफ्टिंग करती हैं, और इनको 4 साल के लिए क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। क्लियर हो गया? अब मेरे को बता दो इसी बात पर कि नाडा का फॉर्मेशन कब हुआ था, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था हमारा 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, चलिए आगे। नाडा के चेयरमैन का नाम आप लोगों को पता है? अनुराग ठाकुर। क्या नाम है इनका? अनुराग ठाकुर। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चला जाए। वेयर इज द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ये पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है, तो इसे कहां करवाया गया, ये आप लोगों को बताना है। पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहां करवाया गया था? वाराणसी, प्रयागराज, सिक्किम, या फिर अपने पास ऑप्शन है न्यू दिल्ली। सेकंड ऑप्शन नहीं है किसी का, ये गलत है ना? आंसर और ऑप्शन मैंने बोला क्वेश्चन के साथ लिखा करो तभी पता चलेगा। Where is the first global Buddhist summit being organized? Varanasi, Prayagraj, Sikkim ya fir New Delhi? Iska answer aap log denge. I'll be back in just few seconds. पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है वो अपने न्यू दिल्ली में ही हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में ही हुआ था। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, हु हैज बीन अवार्डेड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड? प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड किसको दिया गया? अवार्ड्स से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। एक देखो करंट अफेयर्स का सीधा सीधा दायरा है, एक थीम से पूछेंगे, करंट से पूछेंगे, सॉरी अवार्ड से पूछेंगे, एक वो लोग स्पोर्ट्स से पूछेंगे, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो फिक्स हैं अपनी और रैंडम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसी बात पे बता दो कि किसको अवार्ड दिया गया है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड किसे मिला है इस साल का। साल के एंड में चल रहे हैं, सब कुछ होना था जो हो चुका, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अच्छे बन चुके हैं बस, है ना। चलिए ठीक है, ये जो पर्सन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, जिनको ये अवार्ड दिया गया है, फेड एक्स करके एक कंपनी, अगर आप लोगों ने सुनी हो तो, ठीक है, फेड एक्स कंपनी के ये चेयरमैन है। अब बता दो ये कौन है, हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया, अब आप बता दो कौन है ये। जनवरी में दिया जाता है ये,
है ना, जनवरी के महीने में प्रवासी दिवस आता है, तभी यह अवार्ड दिया जाता है। फेडेक्स कंपनी के चेयरमैन को दिया गया है। फेडेक्स कंपनी के चेयरमैन कौन है? राज सुब्रमण्यम। ठीक है, फेडेक्स कंपनी के चेयरमैन को ये दिया गया है, और ये हैं कौन? ये हैं राज सुब्रमण्यम। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे पॉपुलस कंट्री कौन सी है? पहले नाम आता था इसमें चाइना का, अब चाइना को बीट कर दिया है इंडिया ने, वो भी बहुत ही माइनर से डिफरेंस के साथ। ठीक है, बहुत ही माइनर से, बहुत ही कम डिफरेंस के साथ बीट किया है। 142 दोनों जगह है, उधर 0.86 है, 142.86 है, और इधर 142 पॉइंट समथिंग है, जो इससे कुछ कम है, 40 समथिंग है। ये एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या है इसका, देख लेना, 40 समथिंग है, मतलब 4 समथिंग है। 142 दोनों में, इधर 0.86 करोड़ से, इधर 0.44 करके कुछ है, तो वो देख लेना कि क्या है। ठीक है, बहुत ही कम डिफरेंस के साथ हम ये कह सकते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस ये नहीं है, बहुत काफ़ी छोटे डिफरेंस के साथ इंडिया और चाइना के बीच में हमें ये इंडिया को सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री घोषित करना पड़ा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ फीफा? फीफा के प्रेजिडेंट को मतलब कौन है अभी करंट में अगर हम देखें तो कौन है? ये जल्दी से बताएंगे कि ये कौन है। अलेक्जेंडर सेफरिन, लैम्बर्ट मेल्टॉक, गिनी इन्फेंटिनो, ग्रेग क्लार्क, कौन होने चाहिए? और फीफा का हमारा हेडक्वार्टर किधर है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। किधर है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। इसके बाद हेडक्वार्टर्स की भी हम लोग क्लास लेकर के आएंगे। अब ना मेरे को एक बात बताना, आप लोग जब क्लास देखोगे तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि किस तरीके से करंट अफेयर्स की क्लास करें, सबका एक साथ करें या फिर टॉपिक बाय टॉपिक करें, हेडक्वार्टर्स करें, कैबिनेट अलग से करें, और थीम्स अलग से करें, थीम्स एंड डेज अलग से करें, मतलब स्पोर्ट्स का सेक्शन, ऐसे वन बाय वन लेकर के आएँ या कंप्लीट पूरा मिक्सअप वाला पैटर्न इसका लेकर के आएँ? ठीक है, ये आप लोग बताना, फिर मैराथन उसी अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे। वेल, 11th क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ फीफा, द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। कौन है इसके प्रेजिडेंट? इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो। क्लियर हो गया? सो आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर सी। और इसका अगर हम बात करें हेडक्वार्टर किधर है, हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड में। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, Which state has won the Santosh Trophy 2023? Santosh Trophy को जीतने वाले state का आप लोगों को नाम बताना है कि कौन से state ने Santosh Trophy इस बार की हासिल की है। Santosh Trophy किस sport के लिए मिलती है वो भी बताना। ठीक है, कौन से स्पोर्ट के लिए मिलती है ये भी बताना है। किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम रियाद में ये मिली है, है ना? किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम रियाद में ये मिली है, और ये कौन से स्पोर्ट के लिए मिलती है ये आप बताओगे। मिली है किसको? कर्नाटका को। किसको मिली है? कर्नाटका को। कौन से स्पोर्ट के लिए मिलती है?
फुटबॉल के लिए एग्जैक्टली कौन से स्पोर्ट के लिए मिलती है, तो फुटबॉल के लिए मिलती है. संतोष ट्रॉफी इज फॉर फुटबॉल. स्पोर्ट कौन सा किससे एसोसिएटेड है ये आपको पता करना है हमेशा. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023. इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से. ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसको लॉन्च करता है इस परफॉर्मेंस इंडेक्स को. इंडेक्स से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं और उसमें भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंक पूछिए. तो बताएं लॉजिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया की क्या रैंक है. वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया जाता है. इसमें टोटल 139 कंट्रीज थी. ठीक है, कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 139 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. क्लियर है. और उसमें से इंडिया का रैंक अगर हम देखें तो कौन सा था, 38th रैंक था. कौन सा रैंक था जी, 38th रैंक था. क्लियर हो गया, 38th रैंक था. और इस बार हम लोगों ने पहले से बेहतर किया है, 6 पॉइंट्स हम लोगों की रैंक जो है वो बेटर हुई है एज कंपेयर टू लास्ट डेटा. तो कितनी कंट्रीज इसमें रहेंगी, 139 रहेंगी. 139 में से इंडिया का रैंक 38th रहेगा. और पहले से बेटर है परफॉर्मेंस की खराब है, तो ऑब्वियसली पहले से बेटर है. अब बात आती है कांगड़ा टी की. ठीक है, कांगड़ा टी को पहले इंडिया ने GI टैग दिया था. ठीक है, कांगड़ा टी को पहले इंडिया ने GI टैग दिया था. तो इंडिया का GI टैग कब मिल गया था, इंडिया ने GI टैग दे दिया था इसको 2005 में. कब दे दिया था, 2005 में. अब यूरोपियन GI टैग भी इनको मिल चुका है. क्या मिल चुका है, यूरोपियन GI टैग मिल चुका है. कांगड़ा किधर, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में. कांगड़ा किधर, हिमाचल प्रदेश में. तो दिस इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश. और ये ऑप्शंस तो मतलब ये वाला क्वेश्चन तो देखते ही आंसर करने वाला है अगर कोई थोड़ा सा भी हिमाचल प्रदेश के बारे में जानता है तो. ठीक है, बहुत सिंपल सॉर्टेड क्वेश्चन. GI टैक्स पता होने चाहिए किसको कब कहां से मिल रहा है, किस खुशी में मिल रहा है. ठीक है, तो इंडिया से पहले मिला हुआ था और अब यूरोप से भी GI टैग मिल गया है. सॉरी. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. हु हैज बीन नेम्ड द बेस्ट मेल प्लेयर एट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स. बेस्ट मेल प्लेयर का आपको नाम बताना है, वो तो गिवन ऑप्शंस में से आप बता ही दोगे. राइट, गिवन ऑप्शंस में से बता दोगे. और नो अदर देन फुटबॉल का नाम आते ही फुटबॉल के मसीहा मेसी का नाम लिया जाएगा. वही मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है कि बेस्ट वुमेन प्लेयर का नाम बता दो. बेस्ट वुमेन प्लेयर का भी नाम बताओ. बेस्ट वुमेन प्लेयर का भी नाम आप लोग मुझे बताएंगे. ठीक है, बिलोंग कहां से करती हैं ये, इनका हिंट मैं आपको दे देती हूं कहां से बिलोंग करती हैं. स्पेन से, स्पेन की है ये. इनका नाम बताइए. कभी कभी कोई कोई घर पे इनका नाम किसी अलग तरीके से लेता भी है. एलेक्सा है ना, वैसे ही इनका नाम है एलेक्सिया पुचेला. क्या नाम है, एलेक्सिया पुचेला. और इसमें तो लिख ही देंगे आप लोग लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 इज आस्किंग हु हैज वॉन ICC वुमेन T20. अरे भाई, वुमेन T20 कौन जीता ये बता दो. वुमेन T20 2023 वाला कौन लेकर के आया है. इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड. चलिए ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने. और इनका अगर हम देखें टाइटल प्लेयर ऑफ द मैच कौन था,
तो टाइटल प्लेयर ऑफ द मैच थे बेथ मूनी, ठीक है, टाइटल प्लेयर ऑफ द मैच। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 16 में कुछ और ज्यादा एडिशनल चीजें नहीं जाननी थी, इतना कम से कम पता होना चाहिए था कि टाइटल प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे। हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन का नाम हमें बताना है। ऑप्शन है अपने पास, अरुण सिन्हा, कृष्णा कांत शर्मा, मिताली सिंह या फिर जसवंत सिन्हा। Who has been appointed as new chairman of National Technical Research Organization? बिल्कुल सिन्हा जी इसके हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? NTRO का। NTRO का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, पता है आपको? एस्टैब्लिश कब हुआ था? एटलीस्ट एस्टैब्लिशमेंट ना भी बताओ तो हेडक्वार्टर सबको पता होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट मैं बता देती हूँ, एस्टैब्लिश हुआ था 2004 में और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। हेडक्वार्टर किधर है? न्यू दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट वाटर मेट्रो विल स्टार्ट। पहली वाटर मेट्रो है ये, ठीक है। ये क्या चाहता है भाई? तो पहली वाटर मेट्रो कहां पर है ये बताओ। दूसरी थी इनसाइड द वाटर, है ना, और ये है वाटर मेट्रो। तो वेयर इज इट? और ये भी बताना कि पहली बार मेट्रो चली कहाँ थी। फर्स्ट टाइम अगर हम देखें तो मेट्रो कहाँ चली थी? फर्स्ट टाइम मेट्रो किधर चली थी, कौन से स्टेट में चली थी, ठीक है। स्टेट, सिटी, जो आप बता पाए वो बताइएगा। '69 में कलकत्ता में चली थी, ठीक है। मैं देखने गई थी, मैंने उद्घाटन किया था और कुछ 1969 में कलकत्ता में चली थी। और किधर अभी वाला क्या पूछा है? इनसाइड द वाटर वाला केरला है, ठीक है। किधर है? केरला में। चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन बता दो कि who took oath as president of Bangladesh recently? किसने लिया है प्रेसिडेंट का oath बांग्लादेश के? इसमें तो कोई फैक्ट लगाने का है नहीं तुमको, ठीक है। बस इसमें ये कर लेना कि करेंसी और कैपिटल आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख लेना, ये थोड़ा सा कष्ट उठा लेना। अब मेरे को फटाफट से बस इतना से बता दो कि कौन बने हैं इसके प्रेसिडेंट। मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्लियर हो गया? चलो उसमें तो कुछ करना नहीं था, उसमें बस आप लोग करेंसी कैपिटल देख लेना एक्स्ट्रा में। Who has been appointed as president of NASSCOM? NASSCOM के बताओ कौन है, जिसका नाम तुम्हें महंगा सा लगे वो लिख दो, है ना। अनंत माहेश्वरी, राजेश तंबेर, विनोद अग्रवाल या फिर के थॉमस, जो तुम्हारा दिल करे उसको बना दो NASSCOM का। National Association of Software and Services Company. This is Anand Maheshwari. Clear हो गया? तो आज के 20 questions हम लोगों ने discuss किए हैं। Sessions आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा share नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा session को share करने का कष्ट किया करो, so that ज़्यादा से ज़्यादा students जुड़ सकें। जब इधर मुझे crowd दिखाई देगा, मुझे लगेगा कि हाँ भाई current affairs में आप लोग interest ले रहे हैं। जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ होता दिखेगा, वैसे ही हम लोग मैराथन क्लास को करना स्टार्ट कर देंगे। जिस दिन मुझे दिख जाएगा कि हाँ आज आप लोग इंटरेस्टेड हो, उसी दिन अपन
मैराथन क्लास ले लेंगे करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो यूट्यूब पर करंट अफेयर्स के मैराथन क्लास के लिए आई नीड योर सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ये आप लोग शेयर करें सो देट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इधर जुड़ सकें और फिर हम लोग क्लास को ईजिली कंडक्ट कर सकें, ठीक है, मतलब मैराथन क्लास को कंडक्ट कर सकें, क्लियर। और टेलीग्राम का आप लोगों को पता ही है कि टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग को क्या मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी, प्लस इसकी एप्लीकेशन पर आप लोगों को इसकी सॉल्व वाली पीडीएफ मिलेगी। कोई भी अगर डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके की, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, डू टेलीग्राम मी एट 8287406565, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है टेलीग्राम के लिए, यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी टाइप की क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप है, उसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो और एपीएफसी वाला एग्जाम भी आने वाला है, सबके बैचेस भी बनेंगे, सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, आर ओ के भी बैचेस बनने हैं, उसको भी स्टार्ट करेंगे, उसका क्रैश कोर्स लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहो और जो भी आप लोग की क्वेरीज हैं वो बताते रहिएगा, ठीक है। रेस्ट स्टे कनेक्टेड टू गेट सिलेक्टेड एट ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड बिकॉज यू नो एंड एवरीबॉडी सेज दैट सिलेक्शन मींस ओनली सिलेक्शन। गुड लक, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल बी डिस्कसिंग मेनी मोर क्वेश्चंस इन टुमारोज क्लास। थैंक यू।